बधिर पशुओं के लिए शासन की योजनाएं कारगर साबित हो रही हैं। इसी के चलते तराना जनपद के ग्राम पंचायत लसूलड़िया अमरा में गौशाला निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। ग्राम के सरपंच सीताराम चौहान से मीडिया ने चर्चा करते हुए बताया कि मूक बधिर पशुओं की सही तरीके से देखभाल हो सके और पशुओं से किसी भी प्रकार का हादसा ना हो, इसी के लिए शासन के द्वारा 38 लाख की राशि स्वीकृत कर गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। गौशाला के निर्माण के बाद इसमें 100 मवेशियों को रखा जाएगा। नमस्कार, मैं कल्याण तोमर, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश। इस वक्त हम खड़े ग्राम लसूलड़िया अमरा में गो संवर्धन हेतु योजना के अंतर्गत गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहां पर गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक यहां 100 गाय से अधिक पशुओं का पालन होगा और गाय की सेवा की जाएगी। इस संबंध में हम ग्राम के सरपंच जी से चर्चा करेंगे। खबर मध्य प्रदेश में स्वागत है आपका। जी वैसा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जो ये निर्माण किया जा रहा है, कि ये निर्माण कितने लाख की राशि से किया जा रहा है? जी वैसा, 38 लाख की स्वीकृति है इसकी। ये 38 लाख की स्वीकृति है। ये निर्माण जो किया जाए कब तक पूरा हो जाएगा सर? ये वैसा एक महीने के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। ये निर्माण के बाद किस प्रकार से पशुओं के लिए यहाँ पर व्यवस्था होगी और क्या सहायता दी जाएगी? ये सोगाय का सेट है वैसा, ये जो सेट है ये गौशाला है सोगाय का, उधर वो शुक्ला गोडाउन है जी, जिसमें अभी खाने की व्यवस्था हो नहीं पाएगा जी। तो जब भी हमारे पास जो शुक्ला गोडाउन वो है जी, उसमें गायों को खाने की व्यवस्था हो जाएगा, गौशाला चालू हो जाएगा। तो ये जो गौशाला चालू होगी, इससे किन पशुओं को सहायता मिलेगी? ये जो आवारा पशु जो गाय है जी, ये हमारे गांव में भी और आसपास के जो गांवों में भी है, जो रोड पे घूम रही है और बैठ रही हैं, ये किसानों के खेत में भी नुकसान पहुंचा रही हैं और रास्ते में भी बहुत ज्यादा परेशानी आती है आने जाने के लोगों के लिए। तो ये गाय यहाँ हो जाएगा तो हमारे गाँव की और आसपास के गाँव की जो गाय वाली जो समस्या है, आवारा पशु, इन लोगों की समस्या दूर हो जाएगा। तो देखा आपने गो सेवा के लिए ग्राम पंचायत लसूलड़िया अमरा में जो तैयारियां चल रही है, विश्वसनीय और सराहनीय है।